हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि किस रिएक्टिविटी सीरीज को किस तरीके से याद किया जाए। रिएक्टिविटी सीरीज को का शॉर्टेस्ट वे, मतलब आसान तरीके से याद करिए या कैसे याद किया जाए। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट ऑफ मेटल है जो कि अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग एक्टिविटीज में। मतलब अगर जैसे जैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, वैसे वैसे हम मेटल को लिख दें। तो सबसे ऊपर वाला मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, बीच वाला डिग्री, मतलब नीचे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है मीडियम में रिएक्टिविटी, और सबसे कम रिएक्टिविटी नीचे वाला। तो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मैंने इसका सबसे आसान तरीका बनाया इसको याद करने का। तो के से देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है, खाना है जी आओ। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या लिख दे रहा हूँ, खाना है जी आओ जी आओ। ठीक है, केदारनाथ का क्या, के केदार मतलब से पोटेशियम, नाथ से सोडियम, का कैल्शियम, माली, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, जरा से जिंक, फीका से आयरन Fe, और पकाता से Pb लेड, और है से हाइड्रोजन। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, खाना है जी आओ। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, चलिए हम ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ज़रूर शेयर करिए।